समृद्ध भाई, आप भी जानते हैं टीवी में क्या क्या गजब है भाई। ड्रामा का भी एक लिमिट होता है समृद्ध भाई, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। मैं राजनीति कर रहा हूँ, मैं राजनीति कर रहा हूँ, पैरेलल एग्जांपल आप नहीं दे रहे। मजदूरों की अब सुनवाई नहीं होगी। अब बोलिए ना, नहीं सुनना है आपको। अब बोलिए ना, बिहार पर बोलिए, एंकर है, हटाइए बात को। बिहार पर बोलिए, बिहार पर, बंगाल पर, सब पर। अक्सर किसी न किसी मुद्दे पर देश में डिबेट्स होती रहती हैं। मेनस्ट्रीम मीडिया सत्ता से सवाल ना करके डिबेट्स में भी अक्सर विपक्ष से ही सवाल करता पाया जाता है। कुछ मीडिया एंकर जब हिम्मत कर सत्ता के नुमाइंदे से सवाल करते भी हैं, तब वो नुमाइंदे या तो हिचकिचाते हैं या फिर डिबेट ही छोड़कर चले जाते हैं। आज कुछ इन्हीं डिबेटों के बारे में बात करेंगे। वैसे तो आजकल वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार के शो पर कोई भी भाजपा प्रवक्ता नहीं आता, पर पहले रवीश जी के शो में बीजेपी प्रवक्ता आते थे तो उनके सवालों पर बीजेपी नेता जवाब देने में हिचकिचाते थे या जवाब गोलमोल कर देते थे। चाहिए आवाज तो टीवी से तो सुनी रहे ना, इससे बोल लीजिए। हाँ, वहाँ पे रवीश जी जो है हमारे पार्टी के ऊपर। नहीं नहीं, सुन लिया मैंने, अभी आता हूँ, थोड़ा फोन करवाइए, अभी आता हूँ। वो संबित जी का की आवाज कट गई, ठीक है। जरूरत क्या थी जो जो अभी एक महीने की नहीं रवीश जी, मुझे एक ऑब्जेक्शन है, बार बार मेरे फोन लाइन को काट दिया जा रहा है और आपका समृद्ध भाई, आप भी जानते हैं टीवी में क्या क्या गजब है भाई। ड्रामा का भी एक लिमिट होता है समृद्ध भाई, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। नहीं, ड्रामा का लिमिट नहीं है, ड्रामा कर रहे हैं आप, और क्या कर रहे हैं। आपको पता है कि टेलीविजन में सिग्नल कट जाता है, आप काट दिया जा रहा है, और कोई मुझे काम नहीं है कि आपको हम आपको काट दे रहे हैं, गजब हाल है। बोलिए ना, 5 मिनट बोलिए आप। कैसे हो रहा है, आप जानते हैं अच्छी तरह से, हमको और कोई काम नहीं है क्या। सवाल पूछा जाता है और हर बार आप जवाब दीजिए, आपका कट गया तो आप लगाइए ना सर, आपके पास जवाब नहीं है क्या। आप इतनी बड़ी पार्टी है, 70-75 प्रवक्ता है आपके, आपको कौन लाइन काट लेगा, गजब बात करते हैं। बोलिए, मैं नहीं टोकने वाला। पूरा देश देख रहा है, देश कुछ नहीं देख रहा है। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप वो सवाल का जवाब दे दीजिए। देश को टीवी से नहीं दिखता है, अगर देश को ये भ्रम है तो उसको टीवी से दिख रहा है, और एंकर और प्रवक्ता के बोलने से तो मैं देश को बोल रहा हूँ वो देखते रहे। जो आप कहना चाहते थे आप कहिए, लेकिन कोई जानबूझ के नहीं काटा है समृद्ध भाई, आप जानते हैं प्लीज। पशुपालन और डेयरी के मंत्री गिरिराज सिंह से जब एक एंकर ने जनसंख्या के मुद्दे पर उनके राज्य को लेकर सवाल किया तो गिरिराज सिंह जवाब देने की बजाय एंकर पर भड़क उठे और बुरा भला बोलकर डिबेट छोड़कर ही चले गए। दक्षिण भारत के जितने राज्य मैंने भी रिसर्च किया है, जितने राज्य हैं दक्षिण भारत के, केरल से लेके तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश तेलंगाना तक, वहां पे जनसंख्या की जो प्रजनन दर है महिलाओं की वो बहुत कम है, 1.5 से 1.5% के आसपास है। फिर बीजेपी क्यों नहीं बिहार में लागू करवा पाई सत्ता में रहने के बावजूद भी। पहले आप चुप होंगे कि आप बीजेपी का भूत आपको सवार हो गया, प्रॉब्लम अवस्थी जी है। बीजेपी से सवाल नहीं पूछ सकते, सवार है बीजेपी से सवाल नहीं पूछ सकते। आपकी जुबान में लगता है विपक्ष की जुबान घुस गया है। गिरिराज बाबू, बीजेपी से सवाल नहीं करना चाहिए, बीजेपी से सवाल नहीं करना चाहिए। अब ये कहना चाहते हैं, बात तो हाँ सुन तो रहा हूँ मैं, आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। आप बिहार पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे मेरी बात सुने, बोलिए, चलिए मेरी बात सुनेंगे, बोलिए, आप मेरी बात सुनेंगे कि नहीं, बोलिए, मेरी बात सुनेंगे कि नहीं। आप एंकर हैं, इसका मतलब क्या है? अब बोलिए ना, अगर नहीं सुनना है आपको, अब बोलिए ना, बिहार पर बोलिए, एंकर हैं, हटाइए बात को। बिहार पर बोलिए, बिहार पर, बंगाल पर, सब पर, मैंने जो आप कहें वही बोलूंगा, जो मैं चाहूं वो ना बोलूं। जो सवाल मेरा है जवाब तो वही देंगे ना, मतलब नहीं है, सवाल का जवाब दीजिए ना गिरिराज बाबू, सवाल का जवाब दीजिए। ये माइक निकालने से काम नहीं चलेगा, सवाल जवाब देना पड़ेगा आपको। आप बिहार में जवाब ही नहीं देना चाहते हैं। न्यूज 24 पर मजदूरों के मुद्दे पर जब एंकर ने बीजेपी प्रवक्ता से सवाल किए तो इस बात पर वे भड़क उठे और एंकर को एक तरफा बोलने लगे। अब मजदूरों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं? आज तक 0% ग्रोथ रेट वाला भारत का एक साल बताइए। हाँ। बहस करिए मुझसे। तो पूरी दुनिया में 8 से 10% जीडीपी का बेल आउट पैकेज दिया जा रहा है, आपने क्या दिया? 0.7%। मतलब आपको कोरोना भी हो सकता है, आप पे पत्थर भी पड़ सकता है, जाइए वहां पे मौलिक अधिकार का विषय नहीं है, इसे शुद्ध राजनीति कहते हैं जो आप कह रहे हैं। मैं राजनीति कर रहा हूँ, मैं राजनीति कर रहा हूँ, कोई समस्या नहीं। पैरेलल एग्जांपल आप नहीं दे रहे, मजदूरों की अब सुनवाई नहीं होगी, आप इसे आपातकाल का धर्म बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि क्या बदला मजदूर बन रहे हैं, सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। ये राज्य सरकारों का निर्णय है ना। हाँ। तो कौन कह रहा है इसको इंप्लीमेंट करने का? राज्य सरकार अपने हिसाब से निर्णय ले, सबसे ज्यादा समस्या महाराष्ट्र में। तो ठीक है, अब एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, भारतीय मजदूर संघ का नाम तो सुना होगा आपने, आरएसएस से जुड़ा हुआ है, दत्तोपंत ठेंगड़ी ने शुरू किया, आज उनके अध्यक्ष कौन है? साजी नारायणन, गलत तो नहीं कह रहा? शब्दशः वो कहते हैं राज्यों को श्रम कानूनों में बदलाव की इजाजत मिलने से देश की औद्योगिक शांति प्रभावित होगी, गलत बोल रहे हैं शाजी? नहीं, भारतीय मजदूर संघ का अपना विचार बिल्कुल सही है,
अच्छा मेरे सवाल गलत थे, भारतीय मजदूर संघ के विचार अपनी जगह ठीक है, ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? अभी तो आप कह रहे थे मैं बिल्कुल गलत सवाल पूछ रहा हूँ, वन साइडेड नैरेटिव दे रहा हूँ। मैंने कभी गलत वर्ड नहीं कहा संदीप जी, मैंने कहा एक पक्षी। हाँ एक पक्षी है, तो भारत मजदूर संघ भी एक पक्षी है ना। ये बताइए तो भारतीय मजदूर संघ भी एक पक्षी है। डिलीवरी वाले काम कर रहे हैं, वो भी तो जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे मौके जब हमारा मीडिया सत्ता में बैठी पार्टी से सवाल करे, ऐसे मौके बहुत ही कम आते हैं। लेकिन जब आते भी हैं तो आपने देख ही लिया कि क्या हाल होता है इनका। हम उम्मीद करेंगे कि मीडिया ऐसे ही हिम्मत दिखाकर जनता की परेशानियों पर सत्ता में बैठी पार्टी से सवाल करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।